सो हे गाइस, बॉडी बिल्डिंग अपडेटेड में आप सभी लोगों का स्वागत है। एंड बॉडी बिल्डिंग की दुनिया से जुड़े बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग एंड लेटेस्ट अपडेट लेके मैं आप सभी लोगों के लिए आ चुका हूँ। सो चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर जरूर से प्रेस कर लेना। एंड नाउ अब बढ़ते हैं आज को अपनी पहली अपडेट की तरफ, जिसमें हम लोग बात करने वाले हैं अपने नरेंद्र यादव भाई के बारे में। तो गाइस, आप लोग को ध्यान होगा कुछ दिन पहले मैंने आप लोगों को वीडियो में बताया था कि अपने जो नरेंद्र यादव भाई हैं वो अपने कुलदीप यादव भाई के पास में गए हैं ट्रेनिंग के लिए। एंड एज अ कोच उन्होंने उनको यानी कि कुलदीप यादव भाई को माना है। एंड रिसेंट की साइड से गाइस आप लोग देख सकते हो ये वाले जो पिक्चर्स हैं वो शेयर करते हैं, जिसमें गाइस आप लोग उनकी जो क्वाड्स मसल्स हैं वो देख सकते हो काफी ज्यादा बिगर एंड काफी ज्यादा अच्छी आप लोग को होती हुई नजर आएंगी। एंड डेफिनेटली भाई अपने जो कुलदीप यादव भाई है, एथलीट को जहां इंप्रूवमेंट की जरूरत होती है वो उसके गाइस वीक पॉइंट को प्लस पॉइंट में बदल देते हैं। बाकी लेट्स सी गाइस आखिरकार अपने नरेंद्र यादव भाई किस शो में कॉम्पीट करते हुए नजर आएंगे एंड क्या उनकी साइड से अपडेट्स आती हैं। डेफिनेटली आप लोग को इस चैनल पे मिलती रहेंगी, तो नए हो तो सब्सक्राइब भी कर लेना। एंड नाउ अब बढ़ते हैं आज के अपनी नेक्स्ट अपडेट की तरफ। एंड गाइस आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं आफ्टर अ लॉन्ग टाइम भरत सिंह वालिया भाई के बारे में। तो भरत सिंह वालिया भाई की साइड से खास तौर पे आप लोगों को पता होगा कि अब वो बॉडी बिल्डिंग इंडस्ट्री के अंदर आई थिंक सो दोबारा कम बैक करने वाले हैं। एंड आगे हो भी जाए तो गाइज आप लोग को अपडेट्स तो मिल ही जाएंगे। लेकिन गाइज हम लोग बात करने वाले हैं प्रेजेंट टाइम में जो उन्होंने अपना फिजिक अपडेट शेयर किया है अपर बॉडी का उसके बारे में। एंड यहाँ पे आप लोग देख सकते हो वो काफ़ी ज़्यादा मैसिव एंड ह्यूज लग रहे हैं अपने भरत सिंह वालिया भाई। एंड जैसे गाइज वो बताते हैं कि अभी वो प्योर वेजिटेरियन है, उसके हिसाब से गाइज आप लोग देखो जो उनकी बॉडी काफ़ी अच्छी अभी दिख रही है, यानी कि काफ़ी अच्छा उन्होंने मसल मास अभी गेन कर रखा है। बाकी अगर वो कम बैक करते हैं कभी तो उनको ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होने वाली, बस उनको भाई थोड़ा सेपरेशन कटिंग में फोकस करना पड़ेगा। बाकी लेट्स सी आइए क्या अपडेट्स होते हैं। एंड बात कर लेते हैं आज के सबसे बड़े अपडेट्स के बारे में जो कि होने वाला है इमरान खान भाई की साइड से। तो आज गाइज वो लाइव आए थे तो उन्होंने अपने नेक्स्ट शो एंड उन्होंने बताया कि वो भारत पुरुषों के अंदर कॉम्पीट करने वाले हैं। एंड उससे पहले भी वो एक और शो कॉम्पीट करेंगे। एंड ऑल्सो गाइज वो अभी यानी कि इस साल ओलंपिया के क्वालिफिकेशन के लिए दोबारा ट्राई करेंगे, सो उसका शो तो अभी उन्होंने नहीं बताया। बाकी उन्होंने क्या क्या बोला है आप लोग उनसे खुद ही सुन लीजिए एंड सब्सक्राइब भी कर देना नए हो तो। मैं ऐसे एथलीट के साथ उतरा मतलब जो ओलंपिया खेलते और बहुत अच्छा एक्सपीरियंस हुआ वो लोग के साथ, इनके कुछ नया देखने को मिला, सीखने को मिला। बट मेरी प्लेस और अच्छी आना था, बट गलती मेरी भी है उसमें, क्योंकि मेरा बैक ओपन नहीं हुआ पता नहीं क्यों, क्योंकि मैं टाइट हुआ नहीं पता या मैं लोअर बैक पे मेरे फोकस कर रहा था, क्योंकि बैक के पॉइंट्स भी कट होते हैं। ओलंपिया क्वालिफाई है और एक एक बात वो पूरे ऑलरेडी ओलंपिया खेले तो है, तो इसका मतलब मैं ये लोग में मेरे को प्लेस मिली तो श्योर मैं ओलंपिया टॉप 10 में तो लाजिम आऊँगा, इतनी तो गारंटी है मेरी, क्योंकि तकरीबन वहाँ पर ओलंपिया के एथलीट्स थे जो ओलंपिया पार्टिसिपेट कर रहे थे लास्ट ईयर, और जो मेरे से सऊदी क्लासिक में जीता था मैं उससे भी ऊपर आया 7वें नंबर पे, उसको तो प्लेस भी नहीं मिली, आउट कर दिए। वो देखना हमारा क्या बोलते हैं हमारा इंडिया का चैंपियन भी कमेंट करा था, क्या नाम है इसका, भवन, अभी मेरे को मालूम है यूट्यूब पे आता, बट मैं किसी डरता हूँ तो नहीं, मैं बस ऊपर वाले से डरता हूँ, हक की बात करता हूँ। ऐसा नहीं कि वहाँ चीटिंग हुई मेरे साथ, वो लोगों में खड़ो बोलो, बस खड़े के फर्स्ट कॉल आउट में सेकेंड कॉल आउट में आओ बोलो, बस इतना है। वहाँ पर वो लोगों में खड़े तो दिखते भी नहीं, पहले अपने आप को इम्प्रूव करो बोलो, फिर बातें करो बोलो। खाली बातें होना बस कुछ ओवर एटीट्यूड खुद जाता ज़्यादा बताए तो, बट खैर है अपने को किसी से कुछ भी नहीं है, बस मेरे अपने नाम पे आके उंगली करे तो फिर अपन पूरा हाथ डाल देते, इतनी कह रहे हैं। इंशाल्लाह
ओलंपिया क्वालिफाई भी होंगे और बेस्ट ऑफ 10 में भी आएंगे फर्स्ट टाइम में। ये लोगों को आन दो फोर्थ कॉल आउट में, फिफ्थ कॉल आउट में। खेलो बोलना चाहता हूँ मैं तो दुबई, मालूम होता मिडिल ईस्ट शो, हवा के ऐसा लेके चले जाते काले वहाँ पर। बट खैर है, मुझे किससे भी वो नहीं है भाई। रेडी हो जाओ, बोलो शेरू क्लासिक, 5 weeks आउट, 5 or 6 weeks आउट आई विल कम्पीट नवंबर। सबको जितना अच्छा पैकेज ला सकते ला लो, बोलो। इंडिया इंडिया रिपीट होंगे आप, अब तो इंडिया लिखा के आ रहा हूँ लिस्ट में, देखेंगे। एंड नाउ गाइस, अब बढ़ते हैं आज को अपनी नेक्स्ट अपडेट की तरफ, जिसमें हम लोग बात करने वाले हैं अपनी क्रूमन भाई के बारे में। एंड आप में से बहुत सारे लोग इनको जानते होंगे, एंड इनकी साइड से गाइस अभी बहुत बड़ा अपडेट जो है वो गाइस आउट किया गया है। एंड वो अपडेट ये है कि रिसेंट में उन्होंने अपनी जो अपकमिंग मूवी है उसका जो पोस्टर है वो गाइस फर्स्ट पोस्टर उन्होंने रिलीज कर दिया है। एंड अभी गाइस आप लोग देख सकते हो जो उसका नेम होने वाला है वो होने वाला है पागलपन नेक्स्ट लेवल। एंड गाइस ये जो मूवी होने वाली है वो गाइस उनकी बायोग्राफी होने वाली है कुछ और वो तो गाइस उन्होंने नहीं बताया। एंड रिलीज डेट के बारे में वो बताते हैं कि नेक्स्ट वीकेंड हम लोग को पता चल जाएगा इस मूवी की रिलीज डेट के बारे में। सो लेट्स सी गाइस आगे के अपडेट्स मिलते हैं। एंड नाउ अब बात कर लेते हैं कुछ इंटरनेशनल बॉडी बिल्डर्स एंड उनकी न्यूज़ रिगार्डिंग, जिसमें हम लोग सबसे पहले बात करने वाले हैं इरिन बैंक्स के बारे में, जो कि करंट टाइम मिस ओलंपिया चैंपियन है। एंड उन्होंने गाइस प्रेजेंट टाइम में अपना जो फिजिक अपडेट है वो गाइस शेयर किया है। एंड इस अपडेट के अंदर गाइस आप लोग देख सकते हो इरिन बैंक्स फुल ऑन फाइबर से भरे हुए नजर आ रहे हैं। एंड यहाँ पे गाइस अगर आप लोग को पता होगा तो आज से वो ठीक 2 वीक बाद, या फिर आप लोग बोल सकते हैं 1.5 वीक बाद लीजन स्पोर्ट फेस्ट के अंदर कॉम्पीट करने वाले हैं। एंड उसी की वो तैयारी में है। एंड यहाँ पे आप लोग देख सकते हो भाई कितने अच्छे वो नज़र आ रहे हैं, फुल ऑन फाइबर्स गाइस अभी उनके चेस्ट शोल्डर में नज़र आ रहे हैं। एंड गाइस मेरे को तो ऐसा लगता है कि लीजन स्पोर्ट फेस्ट के अंदर वो दूसरों की क्वालिफिकेशन भाई रोकने के लिए ही उतरने वाले हैं। बाकी आप लोग क्या लगता है, क्योंकि भाई वो ऑलरेडी चैंप तो होने वाले हैं तो कंफर्म है। बाकी लेट्स सी आगे भाई क्या होता है। सो गाइस आज की इस वीडियो में तो सिर्फ इतनी अपडेट्स है। अगर चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे जरूर से प्रेस कर लेना। एंड मैं मिलता हूं आप सभी लोगों से नेक्स्ट वीडियो के साथ में, तब तक के लिए बाय गाइस।